अब हम एक्सरसाइज 4.6 का लास्ट सम देखते हैं। 16 सम में हमें क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ 4 केजी ऑनियन, 3 केजी वीट एंड 2 केजी राइस इज 60। इसी तरह से 2 केजी ऑनियन, 4 केजी वीट, 6 केजी राइस इज 90। 6 केजी ऑनियन, 2 केजी वीट, 3 केजी राइस इज 70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। सो जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है, पहले मैं उसको हम लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके लिख लेता हूँ। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो लेट ऑनियन, वीट एंड राइस, इसको मैं डिनोटेड कर लेता हूँ एक्स वाई एंड Z रिस्पेक्टिवली में जो पहले है उसे उस सिंबल के साथ, ऑनियन को X के साथ, वीट को Y के साथ और राइस को G के साथ, ठीक है, हम डोनेट कर लेते हैं। सो माई गिवन इक्वेशन क्या आ जाएगी? 4 के जी ऑनियन, सो 4X प्लस 3Y प्लस 2Z इज इक्वल टू 60। इसी तरह से अब सेकंड लाइन में देख लेते हैं, 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90 एंड 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। सो अब मैंने स्टेटमेंट को ट्रांसपोज कर लिया इन लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। सो अब इसे हमने सॉल्व करना है By using matrix method, ठीक है। So अब मैं above equations को, ठीक है, the above equations can be written in matrix form, ठीक है, matrix form में as A matrix into X matrix is equal to B matrix, ठीक है, where A matrix we all know that. वेयर ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या होती है? को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, जो एक्स वाई जी है यहाँ पे 4, 3, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 3। एक्स मैट्रिक्स, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स मेरे पास क्या आएगी? जो मेरे वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी। एंड बी मैट्रिक्स मेरे पास होते हैं जो मेरे पास कॉन्स्टेंट्स हैं ऑन राइट हैंड साइड, 60, 90 एंड 70। सो हमारा फर्स्ट रूल क्या है मैट्रिक्स मेथड के सॉल्व करने का, कि फर्स्ट हमें देखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स नॉन जीरो आना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। सो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स देख लेते हैं। सो इसे मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ रो वन। सो 4 इंटू, ठीक है जी। सो हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रोन 4। सो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 4 3 12, 6 2 12, 12 माइनस 12 तो इट बिकम 0। सो -3, अब जिसमें 3 है वो रो कैंसिल, वो कॉलम कैंसिल, 6 माइनस 36, 6 माइनस 36 तो मेरे पास कितना आ जाएगा? -30, सो -30 आ गया। सो अब +2, अब जिसमें 2 है वो रो कैंसिल, वो कॉलम कैंसिल, 4 माइनस 24, 4 माइनस 24 तो मेरे पास क्या आएगा? -20, ठीक है जी। सो अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 0 ही हो जाएगा। सो -3 इंटू -30, सो इट कम्स आउट टू बी 90। सो 2 इंटू -20, सो -40। अब 90 माइनस 40 मेरे पास कितना आ गया? 50। सो दिस कम्स आउट टू बी नॉन जीरो। सो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ? हेंस मैट्रिक्स ए, मेरी मैट्रिक्स ए है, इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है। सो इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी।
सो ए ऑफ अगर ए ऑफ यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं. सो प्लीज पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन. हम आगे सॉल्व करते हैं रब करके स्पेस बचा के. सो हमने अपनी स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया था. फिर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स भी फाइंड कर लिया था जो हमारे पास आया था 50 नॉट इक्वल टू 0. अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे. तो हमें मालूम है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स. ठीक है, सो एक्स मैट्रिक्स भी हमारे पास है, बी मैट्रिक्स भी है. अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स मैट्रिक्स. सो ए इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें मालूम है हमें क्या चाहिए. ए इनवर्स फाइंड करनी है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो हमने फाइंड कर लिया है इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड होगी. पहले इस मैट्रिक्स की मैं को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करूंगा, फिर उसका ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए. सो इसे स्टार्ट करके देखते हैं. सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ फाइंड को फैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब ए 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. अब इनका सम अप 1+1 इवन, सम 2 आएगा तो इवन. सो अब मैं माइनर ऑफ 1 देखूंगा. सो ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड, 12 -12 सो 0. इसी तरह से अब ए 1 2. ठीक है, सो ए 1 2 इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं. सो इनका सम ऑड आ रहा है तो नेगेटिव साइन. सो अब ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड, 6 -36 तो कितना है -30. अब ए 1 3 सो इनका सम इवन आ रहा है तो पॉजिटिव साइन. अब हम माइनर देख लेंगे 1 3 का. सो ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड, 4 -24 सो -20. अब इसी तरह से ए 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इनका सम क्या आ रहा है ऑड तो नेगेटिव साइन. अब हम देख लेंगे माइनर ऑफ 2 1 माइनर ऑफ 2 1 सो ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड, सो 9 -4 9 -4 तो 5. मेरे पास क्या आ गया 5. अब ए 2 2 सो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इस एलिमेंट की बात हो रही है. सो ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड, 12 -12 तो इट्स कम आउट टू बी 0. सो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा और 0. ठीक है, सो ए 2 3 सो 2 3 5 और नंबर तो माइनस. अब माइनर ऑफ 2 3 देख लेते हैं. सो दिस एलिमेंट, दिस रो डिलीटेड, दिस कॉलम डिलीटेड, 4 2 8 8 -18 6 3 18 8 -18 सो इट कम्स आउट टू बी -10. ठीक है, अब रो 3 देख लेते हैं. ए 3 1 3 रो फर्स्ट कॉलम, इनका सम अप इवन नंबर तो पॉजिटिव. अब माइनर ऑफ 3 1 सो ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड, 6 3 18 -8 सो 10 इट कम्स आउट टू बी 10. एंड ए 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, अब 3 2 का सम मेरे पास क्या आ रहा है ऑड नंबर तो नेगेटिव साइन यहाँ पे लूंगा. अब माइनर ऑफ 3 2 देख लेते हैं. सो दिस एलिमेंट, ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड, 6 4 24 -4 24 -4 कितना आ गया 20. अब ए 3 3 सो 3 3 को ऐड करने पे 6 तो इवन नंबर तो पॉजिटिव साइन. अब हम देखेंगे माइनर ऑफ 3 3 सो ये रो डिलीटेड, ये कॉलम से 6 4 4 16 -6 तो ये भी मेरे पास कितना आ गया 10. ठीक है, सो अब ये मेरे पास आ गया को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए. सो मुझे मालूम है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगी. सो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसे ट्रांसपोज करके लिखना, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके लिखना स्टार्ट कर लेते हैं. सो रो 1 को मैं कॉलम 1 में लिख दूंगा, 0 30 -20. अब रो 2 को कॉलम 2 में, -5 -5 0 +10. ठीक है, सो 10 -20 10 -20 और 10. ठीक है, दिस बिकम माई एडजॉइंट ए मैट्रिक. सो हमें मालूम है ए इनवर्स किसके इक्वल होता है. सो माई ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो डिटर्मिनेंट ऑफ हमने निकाला हुआ है 50. सो 1 बाई 50 इंटू दिस मैट्रिक्स, 0
माइनस फाइव टेन थर्टी ज़ीरो माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी टेन टेन क्लियर। अब हमें मालूम है हमें सॉल्यूशन किस इक्वेशन से मिलेगा, लाइक दिस एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स। सो एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू हमें मालूम है एक्स वाई जी और ए इनवर्स हमने अभी निकाला है वन बाई फिफ्टी अपॉन इंटू सॉरी वन अपॉन फिफ्टी माइनस जीरो इंटू माइनस फाइव टेन थर्टी ज़ीरो माइनस ट्वेंटी टेन टेन। ओके जी, अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं बी मैट्रिक्स से। सो बी मैट्रिक्स हमारे पास कितनी है, सिक्सटी नाइन्टी एंड सेवेंटी। सो अब इन दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। सो एक्स वाई जी इज इक्वल टू वन बाई फिफ्टी इंटू, अब प्रोडक्ट्स देखते हैं। सो ज़ीरो इंटू सिक्सटी ज़ीरो माइनस फाइव इंटू नाइन, सो माइनस फाइव नाइन ज़ा फोर्टी फाइव, सो फोर्टी फाइव, सो ये ज़ीरो साथ में आ जाएगी। टेन इंटू सेवेंटी प्लस सेवन हंड्रेड, ठीक है। अब थ्री इंटू सिक्स एटीन, सो एक ज़ीरो ये एक ज़ीरो ये, सो साथ में हम दो ज़ीरो लगा लेंगे, ठीक है। प्लस ज़ीरो इंटू नाइन्टी ज़ीरो माइनस ट्वेंटी इंटू सेवेंटी, सो माइनस टू इंटू सेवन फोर्टीन, साथ में दो ज़ीरो ट्वेंटी वाली और सेवेंटी वाली। अब इधर देखते हैं माइनस ट्वेंटी इंटू सिक्सटी, सो माइनस सिक्स टू ट्वेल्व और दो ज़ीरो, सो माइनस ट्वेल्व हंड्रेड। टेन इंटू नाइन्टी, सो प्लस नाइन हंड्रेड, सो टेन इंटू सेवेंटी प्लस सेवन हंड्रेड, ठीक। अब इन्हें अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँ, ठीक है, अब हम इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। सो मेरे पास एक्स वाई जी मैट्रिक्स किसके इक्वल आएगी, ठीक है। सो वन बाई फिफ्टी तो हमारे पास है ही है वन बाई फिफ्टी, ठीक है। सो माइनस फोर फिफ्टी प्लस सेवेंटी, तो मेरे पास कितना आ जाएगा टू फिफ्टी, टू फिफ्टी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कितना है अठारह सौ माइनस चौदह सौ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा फोर हंड्रेड। अब इधर देख लेते हैं मेरे पास कितना बना, नाइन हंड्रेड प्लस सेवन हंड्रेड सिक्सटीन हंड्रेड, सिक्सटीन हंड्रेड माइनस ट्वेल्व हंड्रेड, तो मेरे पास कितना बड़ा फोर हंड्रेड ही आया। सो अब इसे मैं डिवाइड कर लूँगा, तो मैं मेरे पास एक्स वाई जी की वैल्यू कम्स आउट टू बी, सो फाइव फाइव बाई ट्वेंटी फाइव, सो फाइव जीरो से जीरो कैंसिल, तो फाइव वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइव। अब फोर हंड्रेड डिवाइड बाई फिफ्टी, फाइव एट पे गया, सो इट बिकम एट एंड सिम फिर एट। सो आई कैन से डैट माई एक्स मतलब प्राइस ऑफ ऑनियन आ गई फाइव रुपीज एंड वाई की प्राइस मतलब एट रुपीज, इसी तरह से एंड जी की प्राइस मेरे पास भी आ गई एट रुपीज। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशंस। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Thank you for watching.